हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत। आपके समर्थन और स्नेह के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सबने दिवाली पर बहुत एंजॉय किया होगा। आपके प्यार भरी शुभकामनाओं से ही मैं प्रेरित होकर अगला वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो है दिवाली लक्ष्मी पूजन का। मुझे पता है सब लोग दिवाली वाइब से बाहर भी आ गए होंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को उठाकर अपने कामों में सेटल भी हो गए होंगे। वैसे मैंने ये वीडियो बना के तो रखा था, बट एडिटिंग के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो आज शेयर कर रही हूँ। अभी आप सोचोगे इसका वीडियो अब आया है ना? एनीवेज, मैं भी आफ्टर लक्ष्मी पूजन अपने मायके गई थी। माँ के हाथ का खा पी कर, फुल छुट्टियों को एंजॉय कर अभी वापस ससुराल आ गए हम। मुझे भी सेटल होने में थोड़ा टाइम जाता ही है। फेस्टिवल की बात ही कुछ खास होती है, ये हमें जीने का सलीका सिखाते हैं। वो कहते हैं ना, इस सृष्टि में सब कुछ एक उत्सव का ही प्रतीक है। ये सारी ना माँ ने दी थी, उसी की पसंद की है। मेरा दिवाली आउटफिट कैसा लगा? इफ यू लाइक देन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, आज मैंने मोर की रंगोली बनाई थी और अपने पसंद के रंग भी भर दिए। अब शुरू हो गई मेरी माँ लक्ष्मी पूजा। साल के सभी महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माँ लक्ष्मी पूजा है, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी भी है। सनातन धर्म में हम पांच तत्व की पूजा करते हैं, जिससे हमारा शरीर बना है। मेरी माँ ने सिखाया है, जब भी कोई महत्वपूर्ण अनुष्ठान करते हैं तो उससे पहले जल पूजन और पूजा स्थल की भूमि पूजन से शुरुआत करनी चाहिए। जल जीवित है, जो आपको जीवित रखने में भी मदद करता है। यही अस्तित्व की सच्चाई है और हमारे जीवन का आधार। हमारे सनातन धर्म में धरती को भी माँ का दर्जा प्राप्त है। भूमि पूजन करने से वहाँ मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इससे भूमि दोष का विनाश होता है और वह स्थान पवित्र हो जाता है। इनकी पूजा पंच तत्व के प्रति आभार दर्शाता है। यही तो है हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती। हर साल दिवाली का त्योहार कार्तिक अमावस्या के तिथि को मनाया जाता है। शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में किया जाना सबसे शुभ माना गया है। प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के बाद तीन मुहूर्त से होता है। मैंने संध्या में फिर से स्नान कर धुले कपड़े पहने हैं। जो माँ ने गिफ्ट की हुई साड़ी है ना, मैंने वो आफ्टर पूजा पहनी थी, जिसकी क्लिपिंग आपने मेरे इस वीडियो की शुरुआत में देखी होगी। सबसे पहले चौकी को साफ और गंगा जल से शुद्ध कर उस पर केसरिया रंग का कपड़ा बिछा दिया, जिसके ऊपर चावल की ढेरी बनाकर कलश में जल भरकर स्थापित कर दिया। पानी से भरे कलश पर मैंने माँ लक्ष्मी को विराजमान किया। जो भी माता लक्ष्मी के आभूषण थे वो पहनाए। वैसे भगवान को किसी ने देखा तो नहीं है, पर उनका नाम लेते ही जो मन में छवि आती है मैं उस प्रकार सजाने का प्रयास करती हूँ। बचपन से ही माँ को पूजा पाठ में अपना समय बिताते देखा है मैंने। शायद माँ की ही करुणा, प्रेम और भक्ति की दृष्टि से मैंने भगवान को महसूस किया है। हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी का महत्व तो सभी जानते हैं। दिवाली पर खास तौर पर माँ लक्ष्मी के साथ उन्हीं के दत्तक पुत्र भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। इसका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के श्री सूक्त में मिलता है। माता लक्ष्मी का अभिषेक दो हाथी करते हैं, जिस रूप को गजलक्ष्मी भी कहा जाता है। माता महालक्ष्मी के अनेक रूप हैं, जिसमें से उनके आठ स्वरूप जिनको अशलक्ष्मी कहते हैं प्रसिद्ध हैं। देव और असुर के बीच हुए समुद्र मंथन के दरमियान महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। जब धरती पर धर्म की हानि होकर अधर्म बढ़ता है, तब सभी की रक्षा हेतु और दुष्टों को विनाश कर धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु युग युग में जन्म लेते हैं। तब माँ लक्ष्मी भी उनकी सहचारिणी बनकर इस धरती पर प्रकट होती है, जिसके प्रमाण हमने पुराणों में देखे भी हैं। माँ लक्ष्मी कमल फूल पर विराजमान होती है। इस फूल की विशेषता यह भी है कि वह स्वयं कीचड़ में उत्पन्न होता है, मगर इसके बावजूद कीचड़ से पवित्र रहता है। इसी प्रकार माँ लक्ष्मी को कमल अर्पित करने वाले भक्त भी संसार में व्याप्त बुराइयों के बीच रहकर भी निर्मल बुद्धि के बने रहकर जीवन यापन करते हैं। मैंने महालक्ष्मी पूजन के बाद घर की तिजोरी, बही खाते, पुस्तकों और व्यापारी संसाधनों की पूजा कर ली।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कार्तिक अमावस्या की रात माँ लक्ष्मी स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आती है और घर घर में विचरण करती है। जिन घरों में हर तरफ साफ सफाई, सजावट और प्रकाश रहता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी अपने अंश रूप में निवास करने लगती है। घर पर लक्ष्मी का वास होने पर वहाँ पर सदैव सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति बनी रहती है। पूरी पूजा होने के बाद माँ के दर्शन। मैं प्रार्थना करती हूँ माँ लक्ष्मी आपको सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करे। दिवाली के रात सच में एक अलग हर्षोल्लास का माहौल रहता है जो मन को बहुत उत्साही और उज्जवल बना देता है। आज दिवाली थी तो हमने कुछ पटाखे भी फोड़े थे, वैसे मुझे थोड़ा डर ही लगता है तो ज्यादा नहीं जलाए। बट सौरभ हेल्प मी इन दिस। तो ऐसा रहा मेरा दिवाली का दिन। मैंने दिवाली के बाकी दिनों का भी ब्लॉग बना रखा है, प्लीज चेक इट वंस इफ यू हैवंट चेक्ड इट ऑलरेडी। तो चलिए विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देख लेना और सब्सक्राइब भी कर देना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय बाय।